झाबुआ से सटे मोजीपाड़ा में पुलिस आवासीय परिसर बनाने के मामले में जो जमीन आवंटित की गई है उसको लेकर अब विवाद सामने आ रहा है। दरअसल आज से 5 साल पहले कलेक्टर झाबुआ ने पुलिस कर्मियों के आवास के लिए करीब 2 हेक्टेयर यानी 12 बीघा जमीन मोजीपाड़ा में आवंटित की थी। 7 फरवरी को एक पत्र जारी होता है जिसमें पटवारियों के एक समूह को कहा जाता है कि वो इस जगह सीमांकन करें और कब्जा दिलाएं। पटवारियों की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को पता चलता है तो वो हरकत में आते हैं और वो इसका विरोध करते हैं। दरअसल मोजीपाड़ा के ग्रामीणों का ये आरोप है कि उनके तमाम देव स्थल जिसमें बाबा देव और सावन माता भी आते हैं वो इसी स्थान पर है, साथ ही साथ जो मातानु वन यानी कि माता के नाम पे जंगल खड़ा है वो भी इसी स्थान पे है और ये आदिवासियों की पूजा पद्धति और परंपरागत जो रीति रिवाज है उसका पालन इसी स्थान पे होता है, इसलिए इस जगह आवंटित करने के पहले आदिवासी समुदाय से संवाद नहीं किया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई। इसी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आदिवासियों में नाराजगी है और वो इस आवंटन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले पर जमीन आवंटित किए जाने से नाराज ग्रामीणों का क्या कहना है। यहाँ पे पटवारी साहब गिरदावर साहब आया, पुलिस वाला ने वह आया तो जमीन मापी तो हमें मालूम पड़े कि जमीन या जाहिरी जाहिरी बाबा देव ने, हमें बाबा देव थोड़ी में ले लो, कोई 60 साल 70 साल 80 300 साल पहले इसके मतलब 300 साल पर हमारा कम से कम 20-25 हमारा टोकरा नहीं गया इन्हें सेवा करता करता और हम इन्हें पूजा पाठ हमने करी रहा और आप इन सरकार है मतलब के कब्जो करी रही मतलब घरों बना भी हमके तो हमारा बाबा देव ने हम कहा ले जाए मेनू साहब तो कलेक्टर साहब ने हम मोदाई ने हम किरा के कलेक्टर साहब हमारी जमीन आप बाबा देव नहीं से पूरी भूमि जमीन इन्हें सोट भी जो है आम कटोर नहीं बनावा जो है इन्हीं रमो इकट्ठा थाया बदा गामना पूरा भेला थाया तो हमारा बाबा देव हम कोई राजा महाराजा वारनो मतलब यो तो आज न थोड़ो कहीं साहब यह मोटा मोटा हागड़ा मोटी मोटी कड़ियों मोटा मोटा खेरिया ये कम से कम 500 साल पुराना झाड़ू यहाँ तो यो आज झाड़ू तोड़ते तो हमारा बाबा देव नाक कटी जाए साहब तीन रोम भेला था यहाँ हर का। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अपसिंह है साहब। कब्जा तो सरकार कर रही है, खास तो बाबा देव की जमीन है और हमारे पूर्वजों के जमाने से है, कम से कम हमारे मेरे बाप दादा कम से कम 25 लोग मर गए पुराने उस समय, जब से मोजीपाड़ा जब ये राजा का राजवाड़ा नहीं बना था तब से हमारा मोजीपाड़ा का जन्म हुआ, तब से ये बाबा देव बिठाया और ये बाबा देव के लिए ये जमीन आवंटित हमने रोक रखी। हमने रोकी तो सरकार की निगाह में आए ना, हम नहीं रोकते तो कहाँ से सरकार की निगाह में आए। और फिर बोले कि कल आए थे ये गिलदावर पटवारी तहसीलदार ये आए थे उनके कि तुम एकदम ये झाड़ कटवा दो और ये हमारी जमीन छोड़ो और बाबा देव काय का बाबा देव यूँ, तो हमारे आदिवासी से हम इतना क्यों शोषण हो रहा भाई। हम आदिवासी, हम भाटे के आदिवासी, हम भाटे पर देवी देवता की पूजा करते और आज से थोड़ी कर रहे, हम तो स्टेट के ज़माने से जब से फिर हम 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई तब से तो मैं कर रहा उसको संभाल रहा। मेरे पूर्वजों 25 लोग पहले से शांत हो चुके तब से करते आ रहे हैं और आज हम पूरे बाबा देव में भेली होके ये सरकारी जमीन गई यूँ करके हमको मिली खबर तो हम आए और इसको कम से कम कलेक्टर साहब को हमने पत्रकार महोदय को बुलाया और कलेक्टर साहब को कम से कम बताए और ये जमीन वापस मोजीपाड़ा बाबा देव को आवंटन करा, ये वापस मोजीपाड़ा के नाम से बाबा देव के नाम से आवंटन होवे और इसका पट्टा हमको बाबा देव के नाम से दी जाए। और ये आसपास जैसे ये कह रहे खेती कर रहे खेती कर रहे, खेती नहीं कर रहे, यहाँ जो पकता वो बाबा देव में हम अनाज चढ़ाते और हम बाबा देव जो इनसे जो पैसा लेते साल का फसल का जो बाबा देव में हम उसका कहीं भी उपयोग करते हैं, बकरे नकरे कहीं भी लाते हैं उसमें हम संदे के रूप में इसको सड़ाया जाता है। यहाँ पे क्या 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 करते हैं हम बाबा जमीन में? खाली मक्का और कोई मूंगफली पका लेते हैं और भिंडी, यहाँ बाबा देव के आसपास तो ऐसी जमीन है नहीं कि दो फसल हो जाए, पर आज ये कलेक्टर महोदय ने देख लिया और पटवारी कोई आ गया होगा ऐसा तो उसने ये जमीन कलेक्टर महोदय को बताया और कलेक्टर महोदय ने पुलिस हाउसिंग को बताया। भाई पुलिस हाउसिंग को यहाँ शहर में कहाँ बिठा रहे, पुलिस हाउसिंग को दे ना, उधर आईटीओ ऑफिस तरफ बहुत सरकारी जमीन पड़ी होगी उधर दे, और यहाँ बीच में बाबा देव की जमीन कैसे आवंटन कर दी? लोग बाबा देव के लिए तुम मस्जिद को दान कर रहे जमीन, हमारी जमीन हमारे बाप दादा ने छोड़ रखी उसके ऊपर तुम अतिक्रमण कर रहे। ये भूमि हमारे बाबा देव के नाम से
बरसों सालों से यहाँ ग्रामीणों ने रख के छोड़े और इस पर पुलिस आवंटन करके हमको खबर मिली दो चार दिन बाद, तो यहाँ पटवारी गिल्दावर आकर नियुक्ति करने लगे, तो हमको मालूम पड़ा, तो हम ग्रामीण सब एकत्रित होकर यहाँ आए और सरकार बोलती 65 कानून लागू किया, तो 65 कानून कहाँ है यहाँ, यहाँ हमारे ग्रामीण में पहले हमने ग्रामीण से पूछा जाए कि 65 कानून तहत ग्रामीण फैसला ले, पर आज हमारे ग्रामीण में हित में हमारा अत्याचार करी सरकार हमारे साथ, तो 65 कानून लागू कहाँ हुआ है, और मध्य प्रदेश सरकार बोल रही 65 कानून लागू है। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे 65 कानून के तहत हमारे पटेल और तड़वी जी से हमारा पूछा जाए, इसके बाद ग्रामीण फैसला लेगा, उसके बाद हमारा जो भी है वो निर्णय सरकार के पक्ष को मानना पड़ेगा। ये हमारे और अब इस भूमि के लिए हमारे यहाँ पर जियेंगे और यहाँ के इस भूमि के लिए मर जाएंगे, देंगे नहीं जमीन, पुलिस को यहाँ क्वार्टर नहीं बनने देंगे। राजू अजनार मेरा समस्या ये हुई है, हमारे बाबा देव की जमीन पे जो पुलिस हाफसिंह को जो क्वार्टर यहाँ पे अलर्ट करे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हमारी कई कितनी पीढ़ी निकल गई है, हम जब से हम पैदा हुए, जब से यहाँ पे हमने जब यहाँ पे उंगली पकड़ के चलना सीखे, जब से यहाँ देख रहे कि यहाँ बाबा देव है हमारा, पर इसके पहले कई पीढ़ियाँ यहाँ से, हमारे तड़वी साहब है, तड़वी साहब के परिवार से जो पूजा करते हैं वो कई पीढ़ियाँ गुजर गई, उसके बाद में भी अभी यह मालूम पड़े कि यहाँ SDM और पटवारी साहब गिल्दावर आके यहाँ जमीन पे मापती करी, तो मालूम पड़े कि यहाँ पे ये पुलिस हाउसिंग क्वार्टर को अलर्ट कर दिए, तो इसलिए हमारी सरकार से भी और हम अपना जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी आए, तो सबसे पहले अभी झाबुआ में आए थे तो बोले बाबा डूंगर बाबा देव की जय यूं करके बोले, तो हमारा भी मोजीपाड़ा बाबा डूंगर वाला और यही हमारा जो मोजीपाड़ा का बाबा देव है, इसे बाबा देव की भी जय बोलो, मोजीपाड़ा बाबा देव की, मोजीपाड़ा बाबा देव की, सावन माता की, सावन माता की।